चालू करते हैं। आज देखेंगे अध्याय 10, अभिकरण। ठीक है, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार, ये जो पढ़ेंगे आज 182 से लेकर 189 तक का सेक्शन देखेंगे। देखो, जो धारा 182 है उसमें बताया है कि अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा। तो अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए, पहली चीज, दूसरा, या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है, वह अभिकर्ता कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। तो यहाँ पे अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा दी गई है, मतलब एजेंट एंड प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 183, इसमें बताया है कि अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है। तो मालिक जो है वह व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है प्राप्त वय हो और स्वस्थ चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। अर्थात इस सेक्शन में देखते हैं तो दो जरूरी चीजें आती हैं इसमें, कि सबसे पहली चीज कि वह व्यक्ति हो और दूसरा स्वस्थ चित्त हो, तो वह व्यक्ति अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। अब देखते हैं उसके बाद 182। जैसे समझ में नहीं आएगा तुमको कोई चीज तो पूछ लेना। अब देखो 184, अभिकर्ता कौन हो सकता है। तो जहां तक कि मालिक और पर व्यक्ति के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, किंतु जब उत्तरदायित्व तो देने की बात आती है तब बोलता है कि किंतु कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त वय व स्वस्थ चित्त न हो, अभिकर्ता ऐसे ना हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तत्मित एतस्मिन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो। तो उत्तरदायित्व तो देने के लिए भी जरूरी है कि वो व्यक्ति व्यस्क हो और स्वस्थ चित्त हो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी हो सकेगा, वह अभिकर्ता होने के लिए आवश्यक है कि वह प्राप्त वय व स्थिर, है ना, स्वस्थ चित्त हो। अब देखना 185 धारा जो है बोलता है कि प्रतिफल आवश्यक नहीं है। तो अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है, है ना। अब उसके बाद देखो 186, यहां बोलता है कि अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विविक्षित हो सकेगा। तो अभिकर्ता का जो प्राधिकार है वह अभिव्यक्त या विविक्षित हो सकेगा, और ये चीज बताई है कि विविक्षित प्राधिकार और अभिव्यक्त प्राधिकार कब होगा, ये धारा 87 में बताया है कि अभिव्यक्त और विविक्षित प्राधिकार की परिभाषा दी हुई है कि प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है कब, जबकि वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा किया जाए, स्पष्ट है। उसके बाद प्राधिकार विविक्षित किया जाता है
विवक्षित कहा जाता है, जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों या व्यवहार के मामूली अनुक्रम की मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकती हो। तो ये होगा विवक्षित प्राधिकार। अब उदाहरण से समझते हैं कि ए जो स्वयं कलकत्ते में रहता है, श्रीरामपुर में उसका एक दुकान का वह स्वामी है और उस दुकान पर वह कभी कभी जाता है। दुकान का प्रबंध उसने ख को दे रखा है और क की जानकारी में वह दुकान के प्रयोजनों के लिए ए के मामले में सी से माल आदिष्ट करता है और एक एक कोष में से उसके लिए संदाय करता है। दुकान के प्रयोजनों के लिए ए के नाम से सी से माल आदिष्ट करने का ए की ओर से बी को विवक्षित प्राधिकार है। तो ये बताया है विवक्षित प्राधिकार के बारे में। तो विवक्षित प्राधिकार को सामान्य रूप से ऐसे समझा जा सकता है कि मामूली अनुक्रम में, जब सामान्य व्यवसाय के मामूली अनुक्रम में क्या करते हैं कि ऐसे बातों को समझ लिया जाता है कि अभिकर्ता को ऐसे प्राधिकार हैं, तो ऐसे जो है ऐसे परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो विवक्षित प्राधिकार बताती हैं। अब नेक्स्ट जो है 188, इसमें बोलता है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का कौन ये वाला सा वाला? समझ ये अभिव्यक्त और विवक्षित संविदा। है। 187। हाँ देखो, जब भी प्राधिकार जो है, जैसे कोई मालिक जो है ना अपने अभिकर्ता को जब मौखिक रूप से बोल के बोलता है कि आपको ये काम करना है ना, या लिखित में बताता है कि ये काम आपको करना है, तब ये क्या होता है? अभिव्यक्त रूप से, मतलब अभिव्यक्त रूप से प्राधिकार है ये, कि मालिक ने उसको दिया है कि आप ये सामान बेच देना, इतने तक में बेच देना, इसको बेच देना, ऐसा करके। अगर वो बोल के या लिख के बताता है तो ये क्या होता है? अभिव्यक्त प्राधिकार होता है ना। और दूसरी चीज क्या है कि जब ऐसा मामला हो कि किसी चीज को आप अनुमान लगा सकते हो ना, समझ सकते हो कि हाँ मेरे को, जैसे मालिक ने बोला है कि इसको 100 रुपए से नीचे में मत बेचना, तो 102 में बेच देना, 103 में बेच देगा वो, अगर 104 में बेच देता है या थोड़े ऊपर रेट में और बेच देता है, तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा कि मालिक ने उसको वैसा प्राधिकार दे दिया है, क्योंकि तो वो 100 रुपए से ऊपर में बेचने का प्राधिकार दिया है, तो वो कितने में भी बेच सकता है। या कुछ ऐसे और उदाहरण है जिसमें क्या है कि सामने वाला अगर ये समझता है कि, अगर वो समझता है कि उसको ये अधिकार है ना, कि मामूली अनुक्रम का बोलने का मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से जब हम वो कार्य करते हैं तो उसमें उन चीजों को हम कर सकते हैं, ऐसा जो चीज अनुमान लगाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं विवक्षित समिति, विवक्षित प्राधिकार। मतलब ये बोल सकते हो कि जो मौखिक और लिखित होता है वो डायरेक्ट अथॉरिटी होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट अथॉरिटी है जिसको समझा जा सकता है कि ऐसा किया जा सकता है ऐसे। ठीक है, हाँ सर। अब उसके बाद देखो 188 जो है वो बोलता है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार है ना, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो यहां देखो, किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता है ना, हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार, हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो आपको अगर कोई प्राधिकार दिया गया है तो उससे संबंधित कोई जो कार्य है वो कार्य भी आप विधि पूर्वक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किसी कार्य को करने का प्राधिकार रखने वाला अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसा कार्य करने के लिए आवश्यक हो, है ना। उसके बाद देखो, किसी कारोबार को चलाने वाला, चलाने का प्राधिकार करने वा रखने वाला अभिकर्ता
हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारोबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो अगर आप कोई व्यवसाय मतलब कोई कारोबार कर रहे हो, तो उसका संचालन कर रहे हो आप, उस चलाने का प्राधिकार है, तो उससे संबंधित ठीक है हर वो विधिपूर्ण कार्य आप कर सकते हो, ये अधिकार आपको होगा। ठीक है, अब देखो इसको उदाहरण से समझते हैं कि जो बी है वो लंदन में रहता है, अपने शोध ऋण के लिए मुंबई में वसूल करने के लिए ए को अपॉइंट करता है। ए उस ऋण को वसूल करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकेगा और उसके लिए विधिमान्य उन्मोचन दे सकेगा। मतलब उस ऋण को वसूलने के लिए वो जैसा भी, जैसे नोटिस देना है या सूट फाइल करना है, तो ये सभी चीजें वो कर सकेगा। और दूसरी चीज क्या है कि वो विधिमान्य उन्मोचन भी दे सकेगा, ठीक है, कि ऋण से उन्मोचित भी कर सकता है सामने वाले पार्टी को। अब दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पे कि ए अपना पोत निर्माण का कारोबार है ना चलाने के लिए बी को अपना अभिकर्ता नियुक्त करता है। बी उस कारोबार को चलाने के लिए कास्ट और अन्य सामग्री खरीद सकेगा और कर्मकारों को भाड़े पर भी रख सकेगा। तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं है ना चलाने के लिए, तो उसके लिए लकड़ी खरीदना है या कोई अन्य उपयोगी सामान खरीदना है या फिर काम करने वालों को रखना है, तो ये सभी चीजें वो कर सकेगा जो अभी करता है। तो हर विधिपूर्ण कार्य करने का प्राधिकार होता है अगर आप अभी करता है ना। अब 189 जो है आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार, तो आपात स्थिति में क्या प्राधिकार होता है, उसको क्या चीजें करनी चाहिए अभिकर्ता को। तो अभिकर्ता को आपात में यह प्राधिकार है कि वह हानि से अपने मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में काम करता। ठीक है, तो अगर आपात की स्थिति आती है जैसे कोई चीज आप खराब होने वाला है या नुकसान होने वाला है, तो आप अपना सामान जैसे है उसको जैसे उपयोग करते या जो बचाव आप लाते वैसा बचाव क्या करना है आपको अभिकर्ता के रूप में भी करना है और अपने मालिक के लिए जो उसके हित है उसका संरक्षण करना। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे देखो विक्रय अधिकर्ता माल की मरम्मत करा सकेगा यदि आवश्यक हो। तो अगर कुछ ऐसा है कि कुछ मरम्मत की जरूरत है किसी चीज में, तो वो जो है वो मरम्मत कराएगा उसको ताकि वो ठीक से चले। अब दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है कि बी को कलकत्ते में है, ठीक है, बी जो कलकत्ते में है, ए इस निर्देश के साथ रसीद प्रेषित करता है कि वह उसे तुरंत ही सी के पास कटक भेज दे। यदि वह रसद कटक की यात्रा में खराब होने से नहीं बच सकता है, अगर वो खराब हो सकता है वहां भेजने तक, तो क्या करें कि उस रसद को कलकत्ते में ही बेच दे। ठीक है, तो ये जो है कि आपात का स्थिति मतलब ये है कि खराब हो सकता है सामान, तो जब वो खराब हो सकता है तो उसको वहीं पे बेच दे। तो ये था तुम्हारा अभिकर्ता है ना, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार के बारे में। तो सेक्शन देखे हम 182 से लेके 189 तक का, और कल देखेंगे उप अभिकर्ता जो है। अब देखो इसको जैसे मान लो इसमें प्रश्न पूछता है अगर, तो उसको कैसे लिखना है अपने है ना। तो देखो जो एजेंसी है उसके बारे में क्या बोला जाता है कि व्यापारिक व्यवस्था के कारण स्वयं मालिक सभी व्यक्तियों से नहीं संपर्क कर सकता और न ही अकेला कोई संव्यवहार ही कर सकता है। वह अपने सेवकों प्रतिनिधियों और अभिकर्ताओं के माध्यम से सारे कार्य करवाता है और यही प्रक्रिया जो है या ये जो माध्यम है वो अभिकरण या एजेंसी कहलाता है। ठीक है, जिसकी परिभाषा किसमें दी है, 182 में दिया हुआ है। है ना,
कि देखो क्या परिभाषा दिया है अभी मतलब यहाँ पे, वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है, और अभिकर्ता का परिभाषा दिया। तो अभिकर्ता और मालिक के बीच में जो संबंध है वो अभिकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो आवश्यकता तो जो है अभिकरण के वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला होगा पक्षकार, तो दो पक्षकार होंगे, पहला मालिक होगा और दूसरा कौन होगा अभिकर्ता, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, यहाँ सेक्शन लिख सकते हो 182 ऐसा। उसके बाद अभिकर्ता अपने मालिक से अथवा मालिक की संपत्ति से प्राधिकार प्राप्त करता है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अभिकर्ता जो है वो प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है, तो मालिक से या मालिक की संपत्ति से प्राधिकार प्राप्त करता है। अब तीसरा देखो, अभिकर्ता अपने मालिक एवं तीसरे व्यक्ति के बीच विधिक संबंध स्थापित करता है, वह स्वयं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, अब चौथा है कि मालिक अनन्य रूप से तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ जब अभिकरण है और कोई संविदा होती है तो वहां पे माध्यम होता है अभिकर्ता, लेकिन जो उत्तरदायी तो है वहां पे वो पूरा का पूरा उत्तरदायी तो मालिक के ऊपर होता है, तीसरे व्यक्ति के, तीसरे पक्षकार के। ठीक है, अब अभिकरण की मुख्य कसौटी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ विधिक संबंध स्थापित करने हेतु नियोजित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कि प्रतिफल, अब यहाँ पे बताना है कि प्रतिफल, अब कोई भी संविदा होती है तो क्या है प्रतिफल आवश्यक होता है, तो वो उसका एक अपवाद है ये कि प्रतिफल आवश्यक नहीं है, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, ये बताया है धारा 185 में। क्या बताता है कि अभिकरण की संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है, जबकि सामान्य संविदा के लिए प्रतिफल अति आवश्यक है। बिना प्रतिफल के सामान्य संविदा शून्य हो जाती है, अभिकरण की संविदा बिना प्रतिफल के भी वैध बनी रहती है। फिर अभिकर्ता को समझा सकते हैं आप, परिभाषा दिया हुआ है 182 में, है ना। तो और उसके बाद क्या है कि अभिकर्ता कौन होता है, तो अभिकर्ता जो है ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए, पहली चीज, दूसरी चीज होती है कि पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है ना। अब यहाँ देखना कि कोई व्यक्ति अभिकर्ता है या नहीं, इसकी महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपने मालिक को किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाता है या नहीं। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई, अगर हमको ये चेक करना है कि कोई अभिकर्ता है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कसौटी दिया हुआ है कि ये देखना है हमको कि वह अपने कार्यों द्वारा, मतलब जो वो कार्य करता है उससे वो अपने मालिक को किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, अब देखना एक केस है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाम रविंदर शुक्ला, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाम रविंदर शुक्ला, AIR 2005, SC 3528। ठीक है, इस वाद में क्या बोला कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक चेक भेजा गया जो पाने वाले को नहीं मिला। इस चेक को डाक से भेजने की ना तो संविदा की गई थी और ना ही प्रार्थना की गई थी। यहाँ पोस्ट ऑफिस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, जो पोस्ट ऑफिस था वो, इसमें चेक नहीं मिलने का दायित्व तो जो है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का माना जाएगा, ना कि पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस था वो एज अ एजेंट काम कर रहा था। ठीक है, अब देखना कि अभिकर्ता के रूप में किसको नियोजित किया जा सकता है। तो अभिकर्ता होने के लिए दो अर्हताएं हैं, पहला क्या है कि जहां तक मालिक एवं पर व्यक्तियों के बीच का संबंध है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, अर्थात अवयस्क व्यक्ति भी अभिकर्ता हो सकता है, कब, जब कि मालिक और पर व्यक्ति के बीच में संबंध बनाना। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, लेकिन जहां अभिकर्ता को मालिक के प्रति उत्तरदायी बनाना हो वहां उसका प्राप्त वय होना, मतलब वयस्क होना जरूरी है, और दूसरी चीज क्या है कि वह स्वस्थ चित्त हो, ये आवश्यक है।
ये बताया जो है धारा 184 में बताया हुआ है। तो किसी अवयस्क अभिकर्ता को उसके संरक्षक द्वारा कारी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो अभिकर्ता के प्रकार, अब देखो काइंड्स ऑफ एजेंट जो है वो उसमें लिख लो, पहला दलाल लिख लो, ब्रोकर, दूसरा लिख लो फैक्टर, तीसरा लिख लो नीलामकर्ता ऑक्शनीर, फिर लिख लो चौथा कमीशन एजेंट, और पांचवा लिखो प्रत्यायक अभिकर्ता सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो देखो दलाल कौन होता है, या जो ब्रोकर होता है ना, दलाल उस व्यक्ति का अभिकर्ता होता है जिसके लिए वह कार्य करता है, यह वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है। दलाल के पास न तो माल का कब्जा होता है और न ही उसके पास माल को अपने नाम से बेचने का अधिकार होता है। उसका मुख्य कार्य है किसी समव्यवहार के लिए दो पक्षकारों के बीच संबंध स्थापित करना, वह इस कार्य के लिए कमीशन लेता है ना। अब देखो फैक्टर क्या होता है, इसे अड़हतिया भी कहते हैं, यह भी एक वाणिज्यिक अभिकर्ता होता है जिसका मुख्य कार्य कारोबार के मामूली उपक्रम में माल का विक्रय करना होता है। वह ऐसे माल पर माल का कब्जा प्राप्त करता है। अब देखो नीलाम करता, नीलाम करता जो है माल को सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय करने हेतु नियुक्त किया जाता है, यह भी एक अभिकर्ता होता है, माल नीलाम करता के कब्जे अथवा नियंत्रण में रहता है। अब कमीशन एजेंट जो है वो कौन होता है, कमीशन एजेंट बाजार में अपने मालिक की ओर से संभवतया अच्छे भाव पर माल का क्रय विक्रय करता है और इस कार्य के लिए वह कमीशन प्राप्त करता है। फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है, प्रत्यायक अभिकर्ता कौन होता है, प्रत्यायक अभिकर्ता कतिपय अतिरिक्त पारिश्रमिक पर, जिसे प्रत्यायक कमीशन कहा जाता है, अपने मालिक को यह प्रत्याभूति देता है कि वह अन्य व्यक्ति जिसके साथ वह मालिक की ओर से संविदा करता है ऐसी संविदा के देय धन का यथाविधि संदाय करेगा, है ना। उसके बाद देखो मालिक की जो परिभाषा है या स्वामी की जो परिभाषा है, प्रिंसिपल है, वह व्यक्ति जिसके लिए अभिकर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए मालिक का वयस्क तथा स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम कि अभिकरण की स्थापना, क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होता है ना। तो यहां पे देखो कि नोट कर लो इसको, पहला होता है वास्तविक प्राधिकार द्वारा, बाई एक्चुअल अथॉरिटी। दूसरा होता है दृश्यमान प्राधिकार, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, दृश्यमान प्राधिकार। तीसरा होता है अनुसमर्थन द्वारा, बाई रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन द्वारा। और चौथा होता है पति पत्नी के विषय में विधिक धारणा, लीगल प्रिज्यूम्पशन इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। और पांचवा होता है आवश्यकता के आधार पर अभिकरण, एजेंसी बाई नेसेसिटी। तो पहला हुआ वास्तविक प्राधिकार, दूसरा हुआ दृश्यमान प्राधिकार, तीसरा हुआ अनुसमर्थन द्वारा, चौथा हुआ पति पत्नी के विषय में विधिक धारणा, और पांचवा आवश्यकता के द्वारा अभिकरण। तो अब समझते हैं वास्तविक प्राधिकार क्या होता है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 186 के अनुसार अभिकरण की स्थापना का सबसे सरल ढंग यह है कि मालिक अपनी ओर से अभिकर्ता को संविदा करने का अधिकार दे देता है। जब यह अधिकार लिखे गए शब्दों या बोले गए शब्दों से किया जाता है तब यह अभिव्यक्त प्राधिकार कहलाता है, और जब ऐसा अधिकार मामले की परिस्थितियों में देखा जाता है तब वह विवक्षित प्राधिकार कहलाता है। तो ये धारा 186 में दिया हुआ है। अब देखें दृश्यमान प्राधिकार क्या होता है। तो दृश्यमान प्राधिकार जो है यह वह अधिकार है जो किसी अन्य लोगों को प्रतीत होता है कि अभिकर्ता को ऐसा करने का अधिकार है।
मालिक अपने शब्दों या आचरण से ऐसा प्रकट करता है कि अभिकर्ता को अधिकार दिया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी अवस्था में अभिकर्ता तीसरे व्यक्ति से संविदा कर लेता है और मालिक उसके लिए बाध्य होगा। यह सिद्धांत वास्तव में विबंधन का सिद्धांत है, इसीलिए इसे विबंध द्वारा एजेंसी भी कहते हैं। यहां पर यह आवश्यक है कि प्राधिकार मालिक द्वारा किया गया हो और तीसरे पक्षकार ने अभिकर्ता के व्यपदेशन पर कार्य किया हो। अब तीसरा देखें, अनुसमर्थन द्वारा। तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 196 जो है, इसमें बताया गया है कि अभिकरण अनुसमर्थन के द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। यदि अभिकर्ता एजेंट से कोई कार्य बिना मालिक के प्राधिकार से करता है तथा मालिक उस कार्य का अनुसमर्थन कर देता है, तो इस स्थिति में एजेंसी निर्मित हो जाती है। अनुसमर्थन अभिव्यक्त अथवा विवक्षित हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, परंतु ऐसे कार्य का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता जो दूसरे को नुकसानकारी करता हो तथा विधिपूर्ण कार्य करता हो। अब देखें, पति पत्नी के विषय में विधिक धारणा। तो धारा 187 के अनुसार विवाहित पति पत्नी के साथ 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 रहने से विधिक उपधारणा उत्पन्न होती है कि पत्नी को आवश्यक सामान को खरीदने के विषय में दृश्यमान प्राधिकार प्रदान है, परंतु इसके लिए जो आवश्यक है वो यह है कि पहला, पति पत्नी साथ साथ रहते हों, दूसरा, पति को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अधिकार होता है, और तीसरा, पत्नी को पति से युक्तियुक्त भत्ता नियमित रूप से नहीं मिल रहा हो, और चौथा, पति एवं पत्नी के बीच वैवाहिक स्थिति हो। अब इससे संबंधित एक केस है, देखते हैं कि डेवेन हाम बनाम एलेन का 1880 का केस है। इसमें पत्नी उसी होटल में प्रबंधिका की भांति कार्य कर रही थी जिसमें कि पति के नाम से कुछ कपड़े एक व्यापारी से उधार लिए गए। भुगतान ना होने पर व्यापारी ने पत्नी के विरुद्ध वाद किया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पत्नी दायित्वाधीन नहीं, पति जो है वो दायित्वाधीन नहीं था क्योंकि वह पत्नी के साथ घरेलू स्थान में नहीं रह रहा था। ठीक है, अब अंतिम जो है वो देखें, आवश्यकता के द्वारा अभिकरण। तो आवश्यकता द्वारा अभिकरण तब उत्पन्न होता है जब संकटकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व तो होता है कि वह दूसरे की ओर से कार्य करे जिससे कि क्षति को बचाया जा सके। संपत्ति को नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता से भी यह अभिकरण निर्मित होता है। तो ये था आपका एजेंसी का इंट्रोडक्शन। तो कल की क्लास में देखेंगे, उपभिकर्ता। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, डाउट वगैरह। नहीं सर। डाउट नहीं है? नहीं सर। आ गया पूरा समझ में?